22 के महासमर में अखिलेश को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने का लक्ष्य साधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं समाजवादी विजय रथ के सारथी नरेश उत्तम पटेल। मैं लगातार 4.5 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष के कर्तव्य को निभाते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, गरीबों के बीच में काम किया है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, विचारधारा को और समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की जनता के लिए जो कार्य किए गए, विकास के कार्य किए गए, उनको जनता के बीच में रखा है। नरेश उत्तम पटेल के सियासी रसूख से हर कोई वाकिफ है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्ष में साथी रहे नरेश उत्तम पटेल गैर यादवों को साधने के लिए अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा है। आज अखिलेश के लिए नरेश उत्तम की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल 24 अक्टूबर 2016 सपा के लिए वो कयामत की तारीख है जब चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की अदावत सरेआम हो गई और एकजुट समाजवादी कुनबे की दीवारों में महत्वाकांक्षाओं की दरार साफ साफ दिखाई देने लगी। सारी चीजें जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की आगे ले जाना चाहते हैं, उस सब का दारोमदार नीचे उसे पहुंचाने में नरेश उत्तम पटेल की भूमिका है, या उनके साथ जो और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके हैं उन सब की भूमिका है। तो मेन तो अखिलेश यादव हैं, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जो कुछ भी चाहते हैं वो नीचे ले जाने का काम बहुत बड़ी भूमिका नरेश उत्तम पटेल के पास है कि वो उसे डिलीवर करा के नीचे तक पहुंचा पाए। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव का राजनीतिक कद कम करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर देना चाहते थे। पूरी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ था। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल अखिलेश यादव के साथ ढाल बनकर खड़े हो गए। तब शिवपाल के मुकाबले अखिलेश को संगठन के बारे में कम अनुभव था। ऐसे में नरेश उत्तम पटेल अखिलेश के साथ पूरी मजबूती से डटे रहे। ये वक्त गुजरा तो अखिलेश का कद बढ़ा और उन्हें सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साफ कर दिया कि नए नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में उनकी कितनी अहम भूमिका है। पर नरेश उत्तम छात्र राजनीति से आए हैं, संगठन का अनुभव ठीक है, सरकार में मंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव को विश्वास पात्र, व्यवहार कुशल व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, इसके पहले जैसे अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे, और एक वक्त जब ये पार्टी ही प्रदेश की थी तो नेताजी मुलायम सिंह यादव इसके अध्यक्ष रहे, रामशरण दास अध्यक्ष रहे। संभव है कि उस श्रेणी के न हों, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अपनी जात पर पकड़ रखते हैं, चुनावी दृष्टि से संगठन को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। नरेश उत्तम की सूझबूझ को इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस वक्त ये माना जाने लगा था कि मोदी योगी के विजय रथ को रोकना करीब नामुमकिन है, तब गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने की आहट हुई। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए अखिलेश यादव के साथ नरेश उत्तम ने नई रणनीति बनाई। अब के चुनाव मा हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे, धदेड़ा हुई बे, धदेड़ा हुई बे। बीजेपी में दर्जनों बड़े लीडर हैं और समाजवादी पार्टी में अकेले बड़े लीडर अखिलेश यादव हैं, तो उस हिसाब से अखिलेश यादव जो कुछ भी चाह रहे हैं वो इनके नीचे के लोग ही उसको फैला रहे हैं। एक ही रास्ता है कि ये लोग, अखिलेश यादव सब जगह जा नहीं सकते, तो चाहे वो समाजवादी योजन सभा हो, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड हो या दूसरे उनके संगठन हो, वो सब लोग बड़ी भूमिका इस रूप में निभाएंगे। गोरखपुर सीट पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे को
सपा से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा गया, तो वहीं फूलपुर सीट पर नागेंद्र पटेल को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया। उधर बसपा का समर्थन मिला तो नरेश उत्तम ने मायावती के समर्थकों को बूथ तक पहुंचाने के लिए तैयार कर लिया। नतीजा ये रहा कि दोनों ही सीटों पर विजय हासिल कर सपा ने पूरे देश में ये संदेश दे दिया कि सही रणनीति के साथ भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। सबसे बड़ा प्रभाव जाति का होता है, फतेहपुर से आते हैं, कुर्मियों का इलाका है और एक विशेष क्षेत्र जहां इस जात के लोग आते हैं उनका प्रभाव पार्टी के लिए उपयोगी नेता है। और एक संदेश भी इससे है कि समाजवादी पार्टी ने परिवार से हटकर किसी को प्रदेश की बागडोर सौंपी। दूसरा संदेश निश्चित रूप से जो कुर्मी मतदाता हैं उनके लिए है और शायद अखिलेश यादव अपने भाषणों में इसीलिए नरेश उत्तम पटेल का जिक्र भी करते हैं। इतिहास गवाह है कि आज जिस तरह अखिलेश के लिए नरेश उत्तम पटेल चाणक्य की भूमिका में हैं, कभी इसी तरह की जिम्मेदारी वो मुलायम सिंह यादव के लिए भी अदा कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जिन दिनों राजनीतिक उभार के लिए संघर्ष कर रहे थे उसी दौरान 1980 में नरेश उत्तम उनके संपर्क में आए। मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आने के बाद नरेश उत्तम सक्रिय राजनीति में आ गए। इसके बाद नरेश उत्तम पटेल और मुलायम सिंह यादव का ये साथ गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होता गया।